नमस्कार हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए भी बढ़ेगी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद, रोपवे विकास कार्यक्रम का भी मिलेगा लाभ। सीएम जयराम ठाकुर ने बजट को देश के साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय बजट को बताया आंकड़ों का मायाजाल, बेरोजगार युवाओं से भी धोखा। हिमाचल में 91.50 रुपए सस्ता हुआ व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर। मेजर विजय सिंह मनकोटिया बोले, जयराम सरकार ने हिमाचल को देश का पहला मैखाना बनाया। शिकारी देवी में रास्ता भटक गया था युवक, पुलिस ने रात 2 बजे किया रेस्क्यू। हिमाचल में एक बार फिर भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से आएगा बदलाव। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। आज से हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हुआ है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास भी सफाई बनाए रखें। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-2023 पेश किया। बजट में की गई घोषणाओं से कोविड के चलते हिमाचल के लिए भी समग्र प्रोत्साहन आर्थिक मदद बढ़ेगी, वहीं प्रदेश को रोपवे विकास कार्यक्रम का भी लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन के लिए राज्यों को सहायता के लिए वर्ष 2022-2023 में 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रावधान किया गया है। साथ ही 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है। इससे भी हिमाचल को लाभ मिलेगा। वहीं 2022-2023 में राज्यों को GSDP के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज वर्ष 2022-2023 के लिए प्रस्तुत बजट को देश की अर्थव्यवस्था देने, किसानों, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकास को नई गति देने की दिशा में एक कारगर दस्तावेज बताया है। उन्होंने ये बजट आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करेगा तथा इसके साथ ही डिजिटल तकनीक के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को समग्र और समावेशी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगा। ये बजट सड़कें, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जलमार्ग इत्यादि के निर्माण को गति प्रदान करेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश को भी इन क्षेत्रों को गति देने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय बजट को कांग्रेस महासचिव और विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आंकड़ों का मायाजाल बताया है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन बजट में ऐसी कोई राहत नजर नहीं आ रही है। महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश के हिस्से में भी हमेशा की तरह इस बार भी निराशा ही हाथ लगी है। प्रदेश में ना तो रेलवे विस्तारीकरण और ना ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बागवानी, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बीते 2 माह से लगातार बढ़ रहे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के दाम इस बार 91.50 रुपए कम हो गए हैं। इस माह व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 2,080 रुपए प्रति सिलेंडर व्यावसायिक एलपीजी लेने के लिए चुकाने पड़ेंगे। घरेलू सिलेंडरों के लगातार 4th माह भी दाम नहीं बढ़े हैं। नवंबर 2021 के दाम ही फरवरी 2022 में भी लागू रहेंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को 1,002 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वहीं पहल योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31.83 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल की जयराम सरकार ने देवभूमि को दारू की भूमि बनाकर रख दिया है।
जहरीली शराब से हुई मौतों के कारण आज हिमाचल पूरे देश में बदनाम हो गया है। ये आरोप आज धर्मशाला में पूर्व में मंत्री रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया इस कदर हावी हो चुका है कि लोग इन शराब माफिया के करतूतों के चलते मरने लगे हैं। जयराम ठाकुर ऐसे सीएम हैं जिन्होंने हिमाचल को देश का पहला मैखाना बना दिया है। यहां जमकर शराब का कारोबार चल रहा है। मनकोटिया ने सीएम जयराम ठाकुर से सवाल किया है कि प्रदेश में कितने माफिया काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शराब माफिया के आगे जयराम सरकार बिक चुकी है। मंडी जिला की सराज घाटी में पुलिस और प्रशासन ने बर्फ के बीच फंसे युवक को रेस्क्यू कर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मामले में जिला के करसोग से शिकारी माता के दर्शन करने गए एक युवक की जान बचाने के लिए पुलिस मसीहा बनकर सामने आई है। पुलिस ने अभियान चलाकर रात 2 बजे युवक को सुरक्षित निकालने के बाद उसे रायगढ़ पहुँचाया। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए जंजैली अस्पताल ले जाया गया। नरेंद्र कुमार पुत्र इंद्रजीत सिंह निवासी चुराग करसोग सोमवार को मां शिकारी माता के दर्शन करने के लिए बखरोड से होते हुए मंदिर के लिए अकेला ही पैदल निकल गया। मंदिर से 400 मीटर पीछे भारी बर्फ के कारण आगे नहीं बढ़ सका। खुद को बर्फ में फंसता देख युवक ने आपातकाल सेवा 112 पर बर्फ में फंसे होने की सूचना दी। इस सूचना पर 6 सदस्य रेस्क्यू दल ने युवक को सुरक्षित बचा लिया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में 2 फरवरी से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 2 से 5 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्व अनुमान है। हालांकि 5 फरवरी को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 2 से 4 फरवरी के बीच प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी व निचले कुछ भागों में ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में मौसम साफ बना हुआ था। वहीं मैदानी व निचले कई भागों में सुबह कोहरा छाया रहा जिससे दृश्यता भी काफी कम रही। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।